साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे अश्वगंधा रिष्ट। साथियों डाबर कंपनी भी बनाती है, पतंजलि भी बनाती है, बैद्यनाथ भी बनाती है, उंझा भी बनाती है, बहुत सी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डाबर अश्वगंधा रिष्ट का लिक्विड बनाती है। कहने का मतलब है ये जो है 225 ml की पैकिंग में आता है, 450 ml की पैकिंग में आता है और 680 ml की पैकिंग में भी आता है। तो साथियों अभी हम डिस्कस करेंगे अश्वगंधा रिष्ट बेनिफिट और साइड इफेक्ट, हिंदी में उसके जो है उपयोग, फायदे और नुकसान के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पैकिंग के बारे में। जो साथियों इसकी पैकिंग आती है, एक तो 225 ml की आती है 119 रुपए की, एक 450 ml की आती है 210 रुपए की, और जो है एक 680 रुपए की आती है 265 रुपए की। साथियों ये इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, जो अश्वगंधा होता है विधेनिया सोमनीफेरा, जो कि बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक दवा है, ऋषि मुनि के समय से इसका उल्लेख है, और ये जो है क्या करती है, शरीर को स्फूर्ति और जो है चुस्त और दुरुस्त बनाती है, साथ ही साथ दिमाग को तेज करती है, और जिन पुरुषों के अंदर पुरुषार्थ की कमी हो जाती है तो उसको भी जो है ये ठीक करती है। तो कंपोजिशन हो गया, परहेज के बारे में बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे। तो साथियों कंपोजिशन है इसमें, और भी बहुत सी दवाइयाँ जैसे फार्मास्यूटिकल मिलाती हैं, तो जैसे डाबर अश्वगंधा रिष्ट है तो इसमें अश्वगंधा मिला है और सफ़ेद मुसली भी मिली है, मंजिष्ठा मिला होता है, हरिद्रा मिला होता है और चंदन मिलता है। तो ये क्या करती है कि शरीर को ठंडा रखती है, साथ ही साथ पुरुषार्थ की कमी होती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाती है, इससे क्या होता है कि पार्टनर के प्रति जो इच्छा कम होने लगती है, इच्छा को जागृति है। कहने का मतलब है अगर आप इसको रात में बिस्तर पर जाने से पहले अगर 2 चम्मच आधे कप पानी में मिला के पी लेते हैं तो आप रात के राजा जो है बन जाएंगे, इतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। खास बात है कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह की कलरिंग केमिकल इसमें नहीं मिलाया गया है। ये आयुर्वेदिक अश्वगंधा एक पौधा होता है, उसके एक्सट्रैक्ट से जो है ये सिरप बनाया गया है, और भी चीजें इसमें मिली हुई है। साथियों फायदे की अगर बात करेंगे तो जिन पुरुषों और महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसके स्तर को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब है पुरुष भी इसको पी सकते हैं, महिला भी पी सकती हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। दिमागी समस्या, साथियों दिमागी समस्या बहुत तरह की होती है, घरेलू समस्या जैसे कि टेंशन हो जाता है, अनिद्रा जिनको होता है, स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन होता है, इन सभी चीजों से जो है मुक्ति दिलाती है, एकदम ठीक कर देता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, साथ ही साथ हार्ट को स्ट्रांग करता है, किडनी को स्ट्रांग करता है। जिन पुरुषों के अंदर ओल्ड एज हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाती है, गठिया हो जाती है, उसको ठीक करती है, और ये क्या करता है ग्रोथ हार्मोन को भी बढ़ाता है, सिक्रीट करता है, उससे जो है हाइट भी बढ़ती है, युवा अगर इसको पीते हैं। और इस दवा के सिवा बहुत बेनिफिट है, कहने का मतलब है टेंशन, हेजिटेशन, वरी ठीक करता है, साथ ही साथ जो है पुरुषार्थ की कमी होती है, जिनके अंदर तनाव नहीं आता है पुरुषों के अंदर लिंग में, तो ये तनाव बहुत देर तक रहता है, और जो है पार्टनर के साथ ज़्यादा देर आनंद लेने के लिए बहुत अच्छी सीरप है। साथियों इसीलिए घरों में जो है ये अश्वगंधा रिष्ट सभी के लगभग मिलता है। ये कभी कभार जो है क्या होता है कि इसको पीने से भी फायदा मिलता है, और जो निरंतर पीते हैं उनको और ज़्यादा फायदा मिलता है। साथियों इस दवा से नुकसान क्या है, आयुर्वेदिक है, किसी तरह का नुकसान वैसे नहीं है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में आप इसको पी लेंगे, कहने का मतलब है कि इसको जो है 5 से 7.5 ml पानी में मिला के जो है बराबर पानी मिला के इसको पीना है। अगर ज़्यादा पियेंगे तो हल्का फुल्का पेट में जलन कर सकता है और मतलब मुंह के अंदर छाले जैसे निकल सकते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर द्वारा बताई हुई डोज ही लेना चाहिए। साथियों हम डोज के बारे में भी बात करेंगे, तो जैसे 12 से 20 साल का अगर कोई बच्चा है या पुरुष है तो उसको 5 ml सुबह 5 ml शाम इक्वल वाटर के साथ, कहने का मतलब आधी कप पानी के साथ जो है इसको मिला के पीना है, और 20 से 40 साल की उम्र है तो 15 से 20 ml, कहने का मतलब है 2-2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं इक्वल वाटर के साथ जो है इसको पी सकते हैं। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट आयुर्वेद की दुकान या जो है किसी मेडिकल स्टोर से परचेज करते हैं, अगर कोई पहले दवा खाते हैं जरूर बताएं, जैसे कि सेडेटिव मेडिसिन के साथ इस सिरप का सेवन ना करें, जैसे कि एल्प्रास के साथ इसका सेवन ना करें, और
थायराइड पिल्स अगर चल रही है तो उसके साथ इसका सेवन ना करें। साथियों ये जानकारी आपको कोई बताएगा नहीं, या एम्यूनो सुप्रेसेंट जैसे कि साइक्लोस्पोरिन अगर टैबलेट चल रही है तो उसके साथ इसको सेवन ना करें, डॉक्टर से सलाह लेके ही लें। तो कहने का मतलब है सेडेटिव मेडिसिन जैसे एल्प्रास खा रहे हैं उसके साथ अश्वगंधा रिष्ट सीरप ना पिए, थायराइड की टैबलेट चल रही है तो उसके साथ अश्वगंधा रिष्ट ना लें। साथियों एमआरपी भी बताया, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ले सकते हैं, इसको घर पे जरूर रखें और इसके बहुत ही फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। पेट की भी समस्या को ठीक करता है क्योंकि बहुत सी इसमें चीजें मिला दी गई हैं, मंजिष्ठा है, हरिद्रा है, चंदन है और अश्वगंधा तो इसके अंदर मिला ही। साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों नमस्कार।